मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 8, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैं आपको बताने वाला था ऑर्गेनली के बारे में। तो कुछ ऑर्गेनली हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ आज हम करने वाले हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस के बारे में और लाइजोसोम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली कौन कौन सी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको करवा दी थी कल, गोल्गी अपैरेटस आज कराऊंगा, लाइजोसोम्स भी आज कराऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, ब्लास्टिड मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन दोबारा मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो ये जो लास्ट की तीनों, ये हम कल लास्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है कल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गोल्गी अपैरेटस से। तो गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी अपैरेटस क्या है, तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा या ऐसे समझोगे? चलो पहले ऐसे बता देता हूँ। गोल्गी अपैरेटस को आप ये पूछोगे कि गोल्गी अपैरेटस का नाम गोल्गी ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसको जो डिस्कवर करने वाला था, इसका मतलब इसकी जो डिस्क्रिप्ट, इसको जो डिस्क्राइब करने वाला था, सॉरी, वो कौन था, कैमिलो गोल्गी बंदा था, एक बंदा था कैमिलो गोल्गी, जिसने किसके बारे में बताया था, गोल्गी अपैरेटस के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब ढेर, ढेर कह सकते हो, जैसे घास का ढेर होता है ऐसे। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये इस टाइप से बनी होती है मेम्ब्रेन, ऐसे करके कि ये आपस में पैरेलल होती है, ऐसे ऐसे पैरेलल होती है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कंसिस्ट करके रखती है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स वो होता है जिसके अंदर कोई तरल पदार्थ हो। तो तरल जैसे एक पन्नी है, पन्नी के अंदर पानी को डाल दो, तो ऐसे ही किसी पन्नी के अंदर, किसी पैकिंग के अंदर क्या हो, तरल पदार्थ हो, रहने वाला, या फिर फ्लूड कह सकते हो, फ्लूड वाला कोई पदार्थ हो, ठीक है। तो ऐसा कोई पदार्थ जो है किसके अंदर हो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली, जो कि पैरेलल में है और एक एक ढेर में है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेंस। सिस्टेंस क्या कहलाता है, एक सिस्टम जिसके अंदर की क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हो और जो कि पैरेलल हो, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल हो एक दूसरे के, और उस ढेर को हम क्या कहते हैं, सिस्टेंस कहते हैं। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ डायग्राम इसका, उसमें समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसने क्या कहा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इट कंसिस्ट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेरी बात पे ध्यान दो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। असिस्टेंस किसको बोलते हैं, सिस्टेंस वो सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक ढेर में हो। अभी आपको ढेर दिखाई दे रहा है जैसे घासों का ढेर लगा होता है, और मैंने बोला कि ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है ना, ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के, देखो पैरेलल उसमें चल रही है ये, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है और एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टेंस बोलते हैं, और यही गोल्गी अपैरेटस जो कहलाता है। गोल्गी अपैरेटस के बारे में किसने बताया था, कैमिलो गोल्गी ने बताया था। तो बैक में चलते हैं स्लाइड में। तो गोल्गी अपैरेटस के बारे में किसने बताया था, कैमिलो गोल्गी ने बताया था। ये सिस्टम जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, जो कि क्या करता है, पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स रखता है, ढेर रखता है इसके मेम्ब्रेन बाउंड, और इस सिस्टम को हम सिस्टेंस बोलते हैं। This membrane often have connection with the membrane of ER. तो एक बात और याद रखना, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था आपको, इसके बारे में बताया था, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लिपिड्स, फैट्स और प्रोटीन्स बनाने में, और इसके अंदर दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बात हमको पता लगी थी। और इस गोल्गी अपैरेटस को जो है मैं दो नाम देना चाहूंगा, दो नाम से पुकारना चाहूंगा, ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, इसके दो काम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है और किसी चीज को पैक करता है, पैकेज का काम करता है। एक बात याद रखना कि जो ये चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये जो चीज पैकेज कर रहा है, ये कौन सी चीज है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। अब इसने बोला थर्ड पॉइंट में, दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर।
इट मीन्स ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होता है, यहाँ पर क्या होता है ये गोल्गी अपैरेटस होता है, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बन रहा था, मैंने बताया था राइबोसोम्स क्या बना रहा था, इसके अंदर क्या बना रहा था, प्रोटीन्स बना रहा था, क्योंकि वो रफ सरफेस होता है, तो प्रोटीन्स राइबोसोम्स की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था। और जो ये प्रोटीन बन रहा है इसको पैकेज करके कहीं ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का। अब इसका एक फंक्शन हमको पता लग गया, द मटेरियल, ये फोर्थ पॉइंट में लिखा भी हुआ है इसने, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। ये क्या कह रहा है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मेटेरियल होता है उसको पैकेज और डिस्पैच करके अलग अलग टारगेट्स में इनसाइड और आउटसाइड भेजना सेल के पास, वो काम कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। मटेरियल को सेल के पास अंदर भेजना बाहर भेजना कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, ये पता है इसके फंक्शन क्या है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेज करता है प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर, ठीक है, एक फंक्शन है इसका। इन सम केसेस, कई केसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मे बी मेड फ्रॉम सिंपलर सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो कई बार किससे बनती है, सिंपल शुगर से। या आप ये भी कह सकते हो जो सिंपल शुगर है वो कई बार कन्वर्ट भी हो जाती है किसमें, इसमें सिंपल शुगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर बाय द गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस की वजह से कई केसेस में सिंपल शुगर जो है कन्वर्ट भी हो जाती है, मेरी बात पे ध्यान दो, कन्वर्ट भी हो जाती है कॉम्प्लेक्स शुगर में विद द हेल्प ऑफ गोल्गी अपैरेटस। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. और ये देखो Golgi apparatus का एक सबसे अच्छा काम क्या करता है, ये जो lysosomes है जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, lysosomes इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है क्या हेल्प करता है, इसको suicidal bags भी बोलते हैं या फिर garbage bags भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, garbage bags भी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं और गार्बेज बैग्स भी बोलते हैं। और ये गोल्गी अपैरेटस जो है इसको बनाने में हेल्प करता है, किसको, लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में। ये गोल्गी अपैरेटस का आपका स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर कहीं पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, ये रहा, सॉरी ये मैंने आपको बताया था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अटैच होता है ये गोल्गी है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारा, ठीक है। ये दूसरे जो है ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लाइबोसोम्स का काम क्या होता है वो भी बताऊंगा, गोल्गी का काम आपको पता लग गया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, और पैकेज वेसिकल्स होते हैं, पैकेज भी होता है इसके अंदर प्रोडक्ट, तो ये सब बातें हमने जान ली है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, लाइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइबोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स का सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने इसको क्या नाम दिया, ये जो एक तो सुसाइडल बैग्स होता है, सुसाइडल बैग्स क्यों कहा, क्योंकि अपने सेल्स को जो है मार देता है जब चाहे तब, ठीक है, जब इसको जरूरत हो ये अपने खुद के सेल्स को मार देता है। और इसको मैंने गार्बेज बैग क्यों कहा, क्योंकि जो बाहर का कोई एक्सटर्नल खराब सब्सटेंस आ रहा हो सेल्स के पास तो ये इसको स्टोर कर लेता है। ऐसा क्यों करता है, गार्बेज बैग क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि ये जो है हाई या स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कह सकते हैं इसको, ये जो एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो है मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज को जो है अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, सैक्स का मतलब क्या होता है, थैली, थैली मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती है, ठीक है, सैक्स थैली होती है मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि किससे भरी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी होती है। याद रहेगा स्ट्रक्चर क्या होता है लाइसोसोम्स का, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी हुई मेम्ब्रेन बाउंड थैलियां होती हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, ये मैंने आपको बात पिछले लेक्चर में समझाई थी कि जो प्रोटीन्स बन रहा था राइबोसोम्स की हेल्प से, किसमें, राइबोसोम्स की हेल्प से। राइबोसोम्स क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रफ दिखाई देता है बिल्कुल, उसकी हेल्प से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसकी वजह से राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन बन रहा था किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये प्रोटीन्स बन रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम्स में भी हेल्प कर रहा था, ठीक है, ये एंजाइम्स में भी क्या हो रहा था, इंक्लूड हो रहा था। तो इट मीन्स यहाँ पर ये लाइन क्या कह रही है, जो लाइबोसोम्स है वो किससे फिल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स थैलियों से भरा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होता है ये, ठीक है। दीस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, और ये एंजाइम्स किसके द्वारा बनाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है, ये बात पहली पॉइंट क्लियर। लाइबोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसको जो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए कहा गया है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब गार्बेज सिस्टम इसलिए कहा गया है ऑफ द सेल। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, मैंने क्या बोला कि कोई बाहर का कोई वेस्ट जो है अंदर आ रहा हो, कोई बाहर की खराब चीज जिसके अंदर आ रही हो सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है, उसको जो है खराब सब्सटेंस को जो है स्टोर कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि इसके पास क्या एक वो होती है, एक पॉइंट अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये किसी बाहर के सब्सटेंस को जो है घोल लेता है अपने साथ, बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, एज वेल एज बोरन आउट सेल ऑर्गेनली, और ये जो बाहर के जो सेल्स हैं, खराब सेल्स ऑर्गेनली होती है, उनको भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, जो बाहर के सेल्स खराब हो जाते हैं उनको भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। बात होगी क्लियर, एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो बाहर का कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको अपने अंदर स्टोर करके डाइजेस्ट कर लेता है, उसको घोल लेता है, और कोई भी वॉरन सेल, वॉरन आउट सेल, कोई भी खराब सेल ऑर्गेनली हो जाए, जो कोई ऑर्गेनली खराब हो जाती है उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है उसके सेल्स को, और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। और मैंने इसलिए बोला कि सुसाइडल बैग ये जो किसी भी सेल को मार सकता है और मतलब या फिर डिसॉल्व कर सकता है अपने, तो यहाँ पर ये वही काम करेगा। लाइसोसोम्स ब्रेक देम एज दे कंटेन पावर टू डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बात सबसे शुरू में मैंने बता दी, ये क्या करता है, लाइसोसोम्स जो है ये वॉरन आउट सेल को जो है ब्रेक कर लेता है, फॉरन मटेरियल को ब्रेक कर लेता है, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, बहुत जो है मतलब हैवी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात, बॉडी की बात करो, कुछ लोगों का ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बिल्कुल लाइट, वो जैसे अगर मीट वगैरह खा लेते हैं, ये हैवी सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, फिश वगैरह खा लेते हैं, तो उनका जो पेट है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उनको कुछ ना कुछ हरकत होने लग जाती है पेट में। इट मीन्स जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पावरफुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लाइसोसोम्स का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पावरफुल है। इट मीन्स वो क्या करेंगे, कोई बाहर का कितना भी खराब फॉरेन मटेरियल आ जाए, कोई वॉरन आउट सेल आ जाए, उसको जो है ये डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब कोई सेल जो है डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में बर्स्ट उन ये क्या हो जाता है, बर्स्ट कर लेता है उनको, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और ये जो एंजाइम होती है ये अपने खुद के ही सेल को क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। तो पता लग गया सुसाइडल बैग इसको क्यों कहा गया, क्योंकि कोई सेल अगर डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स जो है उसको बर्स्ट कर लेता, मतलब इट मींस वो एंजाइम को उस एंजाइम के अंदर जो है खुद के सेल को ही, ओवन सेल मतलब खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, और बर्स्ट का मतलब ये जो उसको तबाह भी कर सकता है जब चाहे, ठीक है, उस सेल को तबाह भी कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स को इसलिए हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, इसका ठीक है। तो आज हम यहीं तक करने वाले थे लाइसोसोम्स तक, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको, सॉरी ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाना भूल गया, वेट अ मिनट मैं भी आपको दिखा देता हूँ, बोलिए बेटर इसका आ गया, एक मिनट रुकिए बस। हाँ ये देखो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने गूगल के अंदर खोला हुआ है सीधा, ठीक है। लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर होता है, ये देखो मैंने क्या बोला था, छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, वो ये ही है जहाँ पर मैं इसको कलर कर रहा हूँ, और एक थैली की तरह होता है, जैसे हम थैली में पानी भरते ना, कोई ब्लैक पन्नी होती है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरते हैं और उसको ऐसे हिलाएं तो वो एंजाइम्स की तरह दिखती है, वो लाइसोसोम्स की तरह दिखती है। तो लाइसोसोम्स वो थैली हिल रही है, इट मींस इसके अंदर कुछ ना कुछ भारी सब्सटेंस, और वो भारी सब्सटेंस क्या होता है, खराब मटेरियल होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करने वाले थे इस स्लाइड के अंदर, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्या करने वाले हैं,
एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, ठीक है, और एक हमारा क्या रह गया, वैक्यूल्स रह गया, और एक ब्लास्टिड्स रह गया। तो ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं कभी।